एक नजर में रणभूमि के कनकन डोल गए माधव, एक नजर में रणभूमि के कनकन डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टुक नहीं बोले, पौत्र बाहु को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बाहु को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, धर्म के ऊपर यहाँ आज भी भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ, धर्म पे संकट के बादल तुम छानी कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो, हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है, गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रु धारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन, हे केशव ये रक्त स्वयं का पानी नहीं सरल होगा, हे केशव ये रक्त स्वयं का पानी नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए हम तो जीना नहीं सरल होगा, हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लासों में मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर आधार लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्कुराए हैं, अपनी बानों की नोक जो इनकी और करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करती, कृष्ण कहते हैं जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते, पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं, तुम ना जीवन देने वाले ना ही मरने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम ही हारने वाले हो, ये जीवन दीप की भांति यूं ही चलता रहता है, ये जीवन दीप की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है, वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है, ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सारा सफल केवल बस बलिदानों से होता है, देहदान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।